बिजली विभाग की वड्डी लापरवाही उस वेले सामने आई जदों खुलियां पईयां 11,000 वोल्टेज दीयां तारां ने एक विद्यार्थन की जान लै ली। इस हादसे के कारण परिवार अते पिंड च मातम दा माहौल है। उत्थे विद्यार्थन दे नाल पढ़न वाले साथी भी निराश ने। यह दर्दनाक हादसा उस वेले होया जदों 7वीं जमात च पढ़न वाली सिमरन देर शाम जंगल तो अपने घर वापस आ रही सी, पर सिमरन नूं नहीं पता सी कि वह घर पहुंचने तो पहला ही दुनिया छड़ के चली जाएगी, क्योंकि थले लटक रही 11,000 वोल्टेज दीयां तारां सिमरन नूं नजर नहीं आईयां ते ओह इन्हां तारां दी चपेट दे विच आ गई, जिस कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पिंड वासियां दा कहना है कि यह पहला मामला नहीं है, इस तों पहला भी बिजली विभाग की इस लापरवाही के कारण पिंड के 3 लोगों दीयां जाना जा चुकिया ने। फिलहाल सिमरन के पिता ने भरे मन के नाल इंसाफ की गुहार लगाई है। यह घटना मेवात के पिंड चारपुड़ी च वापरी है। उम्र तो 13-14 साल है। ये बकरी ले गई चराने के लिए, वहाँ लाइन बिल्कुल ढीली हुई पड़ी है और बिजली वाले की लापरवाही की वजह से इसका हादसा हुआ। बताया जा रहा है आपसे पहले भी 2 मौत और हो चुकी है। हाँ जी, 2 मौत और हो चुकी है, तीसरी मौत। लड़के ने मौके पे दम दे दिया था या फिर किस हालत में लेके आए? मौके पे दे इंसाफ चाहिए। ये लड़की जंगल में गई थी जी, खेतों में किसी के साथ काम करने के लिए। तो शाम का टाइम था, थोड़ा सा अंधेरा था, तो ये लाइन जो है इतनी नीची है कि इसके सर अट गया। और कई बार हमने कोशिश की है, मैं सरपंच हूँ मौके का गांव झारपुड़ी से, तो प्रशासन से 6 महीने पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। जगमग सकीम सरकार ने चलाई, जब भी हमने कोशिश करी, लेकिन अगर इनके लिए पैसे मिल जाएं तो ये काम करते हैं, नहीं नहीं करते। ये करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन है जो बिल्कुल ही आदमी के सर के टच हो जाती है। 11,000 वोल्टेज की लाइट है और अब तक हमारे गाँव में बिजली से 3 मौत हो चुकी है। लेकिन किसी भी प्रशासन महकमे के जू नहीं रहेंगे। SDO एक्शन सबसे हमने शिकायत भी की। अब ये गरीब आदमी, इसकी लड़की थी लगभग 14-15 साल की, और कल एकदम से जब तक पहुंच पाए वहाँ एक्सपायर होगी। इतना भी मौका नहीं मिला कि हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकें, तो बड़ा अन्याय हो रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। बता रहे हैं कि अब 3 मौत अब तक इस लड़की समेत हो चुकी है, अब तक कोई कार्रवाई इन तारों को लेकर नहीं हुई जी। 3 मौत होगी। जुम्मा का एक पोता है, उसकी अभी मौत हुई है। हाजी शेर खां का भतीजा, अभी लगभग 4 महीना पहले जवान लड़का जिसके 6-7 बच्चे हैं, उसकी मौत इसी ट्रांसफार्म पे हुई और अब ये लड़की चली गई। निगम के कर्मचारी अधिकारियों से कोई बात हुई हो, कोई आश्वासन पहले दिया हो? हर बार आश्वासन देते हैं जी। अगर हम गांव में कोई फ्यूज भी लगवाते हैं तो 5,000 रुपये जब तक इनके लिए नहीं दे देते जब तक ये फ्यूज भी नहीं लगाते। बड़ी भ्रष्टाचार मचा रखा, गदर मचा रखी इन्होंने, और पूरी जितनी भी हमारी कोशिश, हम हर कोशिश कर करके थक हार लिए। कितनी लाइनें ऐसी जो नीचे ऐसी? लगभग 3 लाइन है गाँव में। ये लाइन है एक गांव का अपोजिट साइड, दूसरी साइड में एक लाइन है, और ये गांव के अंदर भी अभी मतलब बिल्कुल ही ये भ्रष्ट अफसर हैं यहाँ सारे जितने भी हैं। अगर हम पैसे दे देंगे, कोई ट्रांसफार्म भी फूकेगी, तो जब तक 15,000 रुपये गांव इकट्ठा करके नहीं दे देंगे एक ट्रांसफार्म का, जब तक ट्रांसफार्म नहीं चेंज नहीं होगी। ये पूरा गाँव बैठा गाँव के सामने हैं, आप इनसे पूछ लो, हम तो हार नहीं। हम बिल्कुल चाहते हैं इनके खिलाफ़ ही, जो हमारे लाइनमैन फोरमैन SDO एक्शन, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और हमें ये जो गांव में ये लाइन की जो समस्या है ये बिल्कुल ही दुरुस्त होनी चाहिए। कोई शिकायत दी इनके खिलाफ? शिकायत मजबूरी में नहीं दी जी, कि हमारे धर्म में एक धारणा बनी हुई है। हमने कल कोशिश भी की थी, 3 जो मौत हुई अब तक इसमें सब में ही हमने कोशिश की है कि भाई इनके लड़कियों का हम मुकदमा दर्ज करा देते हैं, लेकिन वो पोस्टमार्टम की वजह से, उसके डर की वजह से ये आदमी कार्रवाई नहीं कराते। सिर्फ अगर पोस्टमार्टम ना कराया जाए तो हर आदमी कार्रवाई करा सकता है, उसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं कराते, इसलिए ये नाजायज़ फ़ायदा उठता है हमारे खिलाफ। जैसे मैं आज स्कूल में पहुंचा, मुझे पता लगा कि हमारे स्कूल के एक छात्रा सिमरन, डॉटर ऑफ अफसर, की बिजली के तारों के कारण मृत्यु हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट, आज्ञाकारी, बहुत अच्छी लड़की थी। हमारे स्कूल की जितनी भी प्रतियोगिताएँ होती थी सब में वो अव्वल आती थी, और इस बार जो एग्ज़ाम हुए 7 छठी कक्षा के, उसमें भी वो प्रथम आई थी। तो उसकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख है, और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जितनी मदद हो सके उस परिवार की मदद करे। मैं अपनी शोक संवेदनाएं उस परिवार के लिए प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें
उस परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दे और मुझे और मेरे सारे विद्यालय परिवार को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतनी अच्छी लड़की का ऐसे में जाना दुखद है। आज जितनी भी छात्राएं विद्यालय में आई हैं सब गमगीन हैं, एक दूसरे से ना बात कर रही हैं और बड़ा अजीब सा माहौल है कक्षा में। सिमरन की मौत की जैसे खबर उन्हें मिली है तो उन्हें भी बहुत दुख पहुंचा है इस चीज़ का। विद्यालय के सारे स्टाफ को इस बात का बहुत दुख है और सभी बहुत परेशान और दुखी हैं।